सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं 8:09 पे रात के टाइम, और मैं ये मिठाई के डब्बे लेके खड़ा हूँ। साथ में यहाँ पे आटे का कट्टा भी है और बंटी और मिठाई लेने के लिए गया हुआ है। तो फिलहाल आज सारा दिन बिजी था, इसीलिए ब्लॉग जो है वो लेट शुरू किया। कोई बात नहीं, बाकी आज धनतेरस है और अभी पूजा वगैरह भी होगी, और कल को है दीपावली। तो सबसे पहले सभी को हैप्पी दीपावली। और फिलहाल अभी देखते हैं, मंडी थोड़ी देर में आने वाला है और उसके बाद हम जाएंगे घर पे। और मेरे को लोग ऐसे देखने लग रहे हैं, पता नहीं मैंने क्या कर दिया, क्या करने लग रहा हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुत्ते खड़े हैं और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो थोड़ी देर में मंडी आ जाएगा, फिर मिलते हैं घर पे। A few moments later. आटा लेके आ चुका हूँ। सो फाइनली गाइस, मैं आटा उटा मिठाई मुठाई लेके आ चुका हूँ। ले आटा खा ले। इसके अंदर है मिठाइयाँ, उसके अंदर भी मिठाइयाँ। चमचम की क्रीम इसने खा ली थी दिवाली। अजीब है ना। देखी मैंने मम्मी का यूं करे, देखी वीडियो बन रही थी। देखो गाइस, ये रे बंटी के पटाके, ये रे मम्मी जो लड्डू खाती हुई, ये रे प्रिंस बंटी, ये रे भाभी, देखो गाइस अभी यहाँ पे बंटी यहाँ पे घर में रॉकेट चलाने लग रहा था। सच्ची में अब मम्मी का एक्सप्रेशन देखो, मम्मी डर चुकी थी। धुआं हो गया। सो है गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सभी लोग। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और नहा धो के हो चुका हूँ मैं रेडी प्रॉपर बढ़िया तरीके से। साथ में ले ली है खेसी ताकि ठंड ना लगे। सुबह ठंड बहुत होती है हमारे यहाँ पे, तो ठंड बढ़ चुकी है। बाकी आप बताएं आपके वहाँ पे ठंड है या नहीं है, कमेंट करके बताना। बाकी फिलहाल यहाँ पे सुनया अभी तक रेडी नहीं हुई और रितिका भी रेडी हो चुकी है। और माता भी रेडी हो चुकी है थोड़ा बहुत। बाकी बाहर का सीन दिखाता हूँ आपको मैं क्या है। It's so hard to open my eyes. I'm blind to the light from the sky. I'm dealing with things I can't write. And all of you know it's been no easy road. But I keep working harder going. तो मैं कहना भूल गया आप सबको, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दीपावली। और आज हैप्पी दीपावली है, तो आज हम जाएंगे अपने गांव के अंदर, यानी कि मेरे गांव के अंदर जाएंगे माथा वगैरह टेकने के लिए। तो फिलहाल अभी कुछ लोग रहते हैं नहाने के लिए, नहा नू के सभी तैयार हो जाते हैं, मिलता हूँ मैं आपको फिर गाड़ी में। सो फाइनली दोस्तों, बैठ चुके हैं हम गाड़ी के अंदर, तैयार हो गए। अभी हम जा रहे हैं गाँव की तरफ। फिलहाल बंटी ड्राइव कर रहा है, मम्मी आगे बैठे हैं और हम तीनों बैठे हैं पीछे। तो मिलते हैं थोड़ी ही देर में। I'm dealing with things I can't write. And all of you know it's been no easy road. But I keep working harder, going harder just to prove something. Burning out, I can't do shit for weeks. Guess I prove nothing. Everybody wants my work for free. I know you have the money, things are looking different. I'm not putting up with you, not anymore. And I know you think you're still can take advantage. And you always took my humbleness for granted. But I know my worth, you can't take that away. तो फाइनल दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम अपने गांव के अंदर। खेत ही खेत हैं यहाँ पे माथा वगैरह टेकने के लिए। सो मम्मी जा रही है आगे आगे, हम जा रहे हैं पीछे पीछे।
सो फाइनली दोस्तों माथा मुथा टेक के रोटी वोटी खा के मैं आ चुका हूँ अभी दुकान पे, और दुकान पे मैंने डेकोरेशन वगैरह कल कर दी थी, देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी अच्छी कर दी थी डेकोरेशन। और फिलहाल अभी हमने करनी है साफ सफाई, जस्ट अभी आया हूँ मैं, तो साफ सफाई वगैरह करके फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी ही देर में। सो काम कुम फिनिश करने के बाद अभी आ चुके हैं घर पे, और यहाँ पे देखो भाभी ननंद दोनों की एक्टिंग बेकार वाली। मेरे लोग मन रहे जान बचा के भागे मम्मी की तरफ। सो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, और यहाँ पे देख सकते हैं आप दिवाली की तैयारी प्रॉपर हो चुकी है, तो कुछ सजावट हमने भी की है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है शुभ लाभ, और माता रानी के चरण यहाँ पे लगा दिए हैं अच्छे तरीके से, यहाँ पे सजावट जो है वो कर दी है। सो गाइज आपको दिखाते हैं हमने कैसे मंदिर का सजावट वगैरह की है। तो यहाँ पे है रितिका जी, सो देख सकते हैं ये इन्होंने की है सारी मिलके सजावट बढ़िया वाली। बाकी दोस्तों पटाखे वगैरह हम ले आए थे काफ़ी सारे, और अभी हम करेंगे पूजा। पूजा करने के बाद फिर देखते हैं खाना खाएंगे फिर पटाखे बजाएंगे, या फिर पटाखे बजाएंगे या फिर खाना खाएंगे। बाकी मैं तो कम ही बजाऊंगा, मेरे को शोर शराबा पसंद नहीं है। बंटी बजाएगा, स्नेहा बजा लेगी, वो आपको पता लग जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो फाइनल दोस्तों पूजा की तैयारी हो चुकी है स्टार्ट, यहाँ पे टीका वगैरह हमने कर दिए हैं और खुद भी हमने कर लिया है, थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट हो जाएगी फिर आपको मिलते हैं हम। सो फाइनल दोस्तों हो चुकी है जोत वगैरह, और अभी ऊपर लगानी है बस एक, बाकी बाहर का सीन दिखाते हैं आपको। सो फाइनल जोत यहाँ पे लगेगी, क्या कहा मैं सुनो, गोबर पूजा, गोवर्धन पूजा यहाँ पे होती है, तो फाइनल गोवर्धन पूजा होएगी और उसके बाद फिर खाना पानी फिर पटाखे। सो फाइनल दोस्तों पूजा वगैरह खत्म हो चुकी है, और यहाँ पे रॉकेट लगाने की तैयारी हो चुकी है सैड वाले, तो यहाँ पे देखते हैं अभी हो गया फिनिश, हो गया फिनिश। तो अभी पटाखा बमबारी स्टार्ट हो चुकी है, क्या कहना चाहेगी मम्मी जी आप, कैसा लग रहा है आपको नई बहू के साथ दिवाली मनाते हुए? बहुत बढ़िया। स्नेहा तुम क्या कहना चाहोगे? ठीक है। इग्नोर गर्ल। तो मैं न्यूज रिपोर्टर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से बम ले गए हम, एक ये है 30 शॉट वाला, और ये पता नहीं कितने शॉट वाला है, और यहाँ पे हम पूरा डब्बा उठा ले आए हैं, तो अभी बड़े वाले बम को हम लगाएंगे बड़े तरीके से, देखते हैं क्या सीन रहेगा।
बाकी मेरे को जोर से बोलना पड़ रहा है बिकॉज आसपास बम की आवाज़ ज़्यादा है, इसीलिए आपको मेरी आवाज़ सुननी चाहिए अच्छे तरीके से। तो अभी हम इसको लगाते हैं। तो तैयारी हो चुकी है पूरी बढ़िया तरीके से, प्रॉपर तरीके से बम लगाने की। आग लगा दी, बुझ गई। अब दोबारा से फिर आग लगाते हैं। लगा दी आग। थोड़ा सा लेट हो गया मैं आपको दिखाने में, लेकिन नजारा कैम था, ये देख सकते हैं। ये भी हमारे ही बम पर वहां पे बज रहे हैं। अब ये लगाएंगे बड़े वाला जिसके अंदर है 30 शॉट। करते हैं स्टार्ट। इतनी जोर से बोलने लग रहा हूं। जोर से बोल लो जय माता की। बम बारिश होगी स्टार्ट। देख लो तो दूर हो जा, बच जाएगी बड़ी तो सुती। तो गाइस देख सकते हैं फुल टॉप 30 शॉट। बना दी फिर हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बना दी। ये सारे हमारे बम है। अभी सॉरी गाइस। सो अभी गाइस सामने दो रॉकेट लगाएंगे एक साथ, देखते हैं कैसे चलेंगे कैसे नहीं चलेंगे, वो आपको अभी पता लग जाएगा, लेकिन आपके सामने लग रहे हैं। एक रॉकेट रह चुका है। मम्मी भी बहुत बड़ा बम उठा के चलाने की कोशिश कर रही है और वो बुझ गया। तो अभी खेलेंगे हम फिरकी फिरकी, देखते हैं फिरकी में कभी पटाखा ना हो। स्नेहा के पजामे में बीच बढ़ जाता। अभी गाइस रितिका अनार चलाने की कोशिश कर रही है और साथ में हम जलाएंगे बंटी के साथ। चलाओ चलाओ अनार। रितिका फुल कोशिश में है। चला दे, नीचा कर दे, नीचा कर थोड़ा और नीचा। ओहो एक अनार नहीं चलाया जा रहा है इनसे। कर कर चला चला। चल चल गया चल गया चल गया चल गया। अब रॉकेट भी साथ में जाएगा। रितिका जी ने चला दिया फाइनली। स्नेहा भी लेके खड़ी है फुलझड़िया। मम्मी वहां पे खाएगी। मैं करंट उठा। मम्मी पता नहीं क्या देखने लग रही है। क्या देख रही है? सो गाइस अभी हम चलाएंगे, हम नहीं मतलब रितिका जी चलाएगी जहाज। जहाज चलाएगी जहाज। बंटी कह रहा है कि अनार चलाओ, जहाज अपने आप चल जाएगा। थोड़ा सा और भी नीचे लगाओ, लगा दे जल्दी, लगे 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 लगे। अब चलेगा साथ में। बच गए। स्वाभी रितिका चलाएगी लक्ष्मी बम, चलाने की पूरी कोशिश में है लेकिन बुझ जाता है। ए चलाया। चल चला जल्दी चला। मैंने ये किया हुआ है कि भाग के आ जाएगी नीचे। और चला दे, नीचा कर, कर कर रख, कर कर रख, कर कर रख।
रितिका क्या? और जिस तरह जोत जलाए करा उस तरह कर दो नुआ थे जीरा जोत जलाए करा इतनी जल्दी को नहीं चलता है वो चला इतने में 20 बम फोड़ दें तेरे तो एक नहीं चल रहा है क्या कर आग लगा दाब कर तो ला दे मंडी मैं लाऊंगा ले रितिका से एक बम नहीं चलाना ला कर रख और ला कर रख बस बस बम चला के खुश हुई रितिका